नमस्ते। आज हम क्रिस्पी आलू फ्राई बनाने की विधि बताने जा रहे हैं। इसे बनाने में इन सभी सामग्री की आवश्यकता होगी। आलू इस तरह कटा हुआ, नमक और हल्दी। आलू धोकर छील लिए हैं और इस तरह से काट लिए हैं, 3 बार पानी से धो लिए हैं। चलिए बनाते हैं। नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई गैस पर गर्म कर लेंगे। हम पहले ही पैन गर्म कर लिए हैं, अब तेल डालेंगे। सरसों तेल डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच। आप कोई भी तेल में बना सकते हैं, फॉर्चून या सफोला, जो इच्छा हो। देखिए 2 बड़े चम्मच तेल है। तेल गर्म हो रहा है फुल फ्लेम पर। अब आलू मिक्स कर लेते हैं। एक बड़ा प्लेट लेंगे, उसमें आलू डालेंगे, हल्दी, नमक डालकर अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर लेंगे। 3-4 बार पानी से आलू को इसलिए धोते हैं जिससे आलू का स्टार्च अच्छा से निकल जाए, जिससे आलू क्रिस्पी बनता है। और अच्छे से नहीं धोने से स्टार्च आलू में रह जाता है और आलू सॉफ्ट बन जाता है। तेल गर्म हो गया है, पैन में आलू डाल देते हैं। अच्छी तरह चलाएंगे। थोड़ा चलाने के बाद ढक्कन से ढककर पकने देंगे। अब ढकते रहें, इसलिए ढकते हैं कि आलू अच्छा से पक जाए। 1 मिनट हो गया, अब ढक्कन को हटा लेंगे। बच्चों को ये आलू बेहद पसंद आता है क्योंकि ये क्रिस्पी होता है, ना मिर्ची ना मसाले, इसलिए उन्हें बहुत पसंद आता है। अब ये आलू को बिना ढक्कन के ही 2 मिनट भुनेंगे, जिससे आलू गोल्डन ब्राउन हो जाए। मीडियम फ्लेम पर भुनना होता है। 2 मिनट के बाद हाई फ्लेम करके थोड़ा भुनेंगे और देखिए आलू कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब गैस बंद कर देंगे, पैन को टेढ़ा करेंगे, आलू को साइड कर लेंगे। जिसे तेल सारा आलू से निकल जाए, प्लेट में निकाल लेते हैं। क्रिस्पी आलू फ्राई बनकर तैयार हो गया। आप भी बनाइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।